भारतीय जनता पार्टी में भूमिकाएं बदलती रहती हैं। उनको विधानसभा चुनाव लड़ा तो कुछ सोच समझ के क्या किया पार्टी तय करेगी। बिना पैसे का राशन पहली बार मिल रहा है, किसान सम्मान निधि सरकार सीधे खाते में डाले, सरकार का पैसा। बीच में कांग्रेस ने एक मुद्दा भी बनाया था कि जितने प्रधानमंत्री आवास बने हैं ये सब सरकारी हो गए, आपके नहीं हैं। इस प्रकार के भ्रम फैलाने का कांग्रेस काम करती है, उसने कोई काम तो किया नहीं। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा नरसिंहपुर में है और नरसिंहपुर में हमारे साथ इस वक्त मौजूदा विधायक और मौजूदा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के भाई जालम सिंह जी। कैसी तैयारी है इस बार, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है कि 18 साल की गवर्नमेंट हो गई, 18 साल में अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी चर्चाएँ हैं। क्या महसूस हो रहा है, आप जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, क्या अलग है, क्योंकि अब तक आप अपने लिए वोट मांगते थे, अब भाई साहब के लिए मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, हमारी पेज पूर्णता बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक की हमारी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 वर्षों से लगातार नीचे तक हमारा कार्यकर्ता उसको तैयार किया है। सबसे बड़ी तैयारी यही है। और यहाँ तो कमल की का जब फूल है वो चुनाव लड़ता है, कमल की। तो ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है वो स्वाभाविक है। कई बार जो नए युवा हैं उनको शायद उनकी जानकारी नहीं है कि पहले सड़क नहीं थी, वहाँ बिजली 24 घंटे गांव में बिजली नहीं थी, शहरों में बिजली मिलती नहीं थी, और रोजगार की समस्या से लेके पानी नहीं, शौचालय नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं, उज्ज्वला योजना के लाभ नहीं, ऐसे ये बहुत सारे जो हमने लाभ दिए हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बिना पैसे का राशन पहली बार मिल रहा है, किसान सम्मान निधि सरकार सीधे खाते में डाले, सरकार का पैसा। प्रधानमंत्री आवास हो या किसान सम्मान लाड़ी बहना हो, सरकार अपना पैसा आपको दे रही है और बना रही, जबकि सरकारी पैसा तो सरकार कहलाता है। बीच में कांग्रेस ने एक मुद्दा भी बनाया था कि जितने प्रधानमंत्री आवास बने हैं ये सब सरकारी हो गए, आपके नहीं हैं। तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने का कांग्रेस काम करती है, उसने कोई काम तो किया नहीं, इसलिए उनके पास कहने के कुछ नहीं है। भ्रम फैलाने का काम करते तो भ्रम फैला रहे हैं। इस बार अभी हमने बात की है आपके प्रतिद्वंदी लखन सिंह से, उनका ये कहना है कि केंद्रीय मंत्री जी ने ये कहा है कि वो एक दिन रहेंगे, बाकी टाइम जालम सिंह देखेंगे और आप देखेंगे। इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि आप स्थानीय प्रत्याशी चुनिए जो आपकी नज़रों में रहे, इसका कोई फ़र्क दिख रहा है क्या? यही है भ्रम फैलाने का। उनसे कम से कम एक दिन बोला था उनने, कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन, मतलब ज़्यादा रह सकते हैं, उससे कम नहीं है। दूसरा मेरा कहना है कि हम तो 24 घंटे वाले हैं, 24 घंटे, और मेरी वो नकल करते हैं। जैसा अभी उनने कहा कि वे उनकी 1 इंच हाइट कम हो गई, तो हम 20 साल से चल रहे, हमारी 2 इंच बढ़ गई, उनकी 5 साल चल रहे, उनकी 6 इंच घट। तो उन्हें तो हनुमान सिंह, उनको बीमारी, उनके पिताजी के भी यही हाल, तो चल नहीं पाते थे, उनके पैर भी तिरछे थे, तो उसको वे सहानुभूति में लेना चाहते हैं। और मैं सब मेरा मानना है कि वो सरपंच रहे या अन्य पदों पर रहे, उनकी कोई उपलब्धि तो है नहीं, उनकी उपलब्धि भ्रष्टाचार है। उन पर 10 लाख की रकबी निकली थी उनकी पंचायत में, तो इस प्रकार जब वो चूँकि गोटेगांव विधानसभा में थी, इतने नीचे तक हम लोग जाते नहीं हैं। और मैं उस समय सरपंच थी, मैं मंडी अध्यक्ष था, इसके बाद मैं विधायक बना हूँ 2003 से, गोटेगांव का मंडी अध्यक्ष था। तो मैं जिस साल बना था उस बार 23 लाख की आमदनी थी, 1 साल बाद 1,46,00,000 की आमदनी हुई थी। मुझे मध्यप्रदेश स्तर पर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया था 50,000 का मंडी को, और फिर हमने 20 एकड़ ज़मीन खरीदी, लगभग 10 करोड़ की मंडी वहाँ बनाई। तो ये काम करने का तरीका है, हमने जो काम किया 1,32,58,42,15,000 के हमने काम किया, हमने पत्रक के माध्यम से जनता तक पहुँचाए। कांग्रेस बताए उसने क्या किया 55 साल में, ये 2003 से 23 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इतना काम किया है, सरकार है, आप खुद विधायक हैं, प्रत्याशी आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आसान है इस बार का चुनाव कि कहीं कुछ फाइट है? मैं आपकी विधानसभा में बात करूं, क्योंकि आपका आप ही विधायक हैं, इतना बड़ा प्रोफाइल चेहरा है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं कुछ फाइट दिख रही है कांग्रेस से, कहीं कुछ खड़ी है? मेरा जैसा मानना है कि चुनाव तो कोई हल्के तो अपन कभी मान नहीं सकते, पिछले बार भी वो जीत रहे थे, मैं अकेला यहाँ जीता हूँ, पूरी विधानसभा से 3 विधानसभा कांग्रेस जीत गई, तो जनता का आशीर्वाद जिसको हो जाए। मगर मैं कह सकता हूँ जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, उसका आशीर्वाद पहले भी था, आगे भी और आगे भी रहेगा। हम तो 20 साल तक हमने जो काम वो बता रहा हूँ, 20 साल की हम प्लान कर रहे हैं, 20 साल बाद हमने जो
युवा उनके रोजगार के लिए, मेडिकल के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला, निःशुल्क पाठशाला की बात करें, निर्माण कार्य जो हमारी जो सड़कें वड़के पुल रह गए उनके लिए बात करें, तो हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो हमने किया उस पर तो बात करते नहीं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो युवाओं को, वो जो युवा अभी जो पहली बार मतदाता, उनको जो नहीं मालूम था कि बिजली नहीं मिलती थी, सड़क नहीं था या अन्य सुविधाएँ नहीं थी, तो उनको पता नहीं रहता, तो वो उसमें भ्रम में कई बार, पिछली बार तो आ गए थे 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ हुआ नहीं, किसान जरूर डिफॉल्ट हो गए, माता जी अभी मिली है क्या ही 1 लाख का कर्जा, उन पर डिफॉल्टर हो गई हैं वे, ये हमारा माफ़ करा दो, 1 एकड़ ज़मीन है उनकी, 1 लाख का कर्जा है, अब वो पता चला माफ़ हो जाता तो हो जाती है, वो डिफॉल्टर हो गई, चुका हो नहीं पाई, अब भी मिली थी, एक कागज़ मेरे पास रखा है कि आप चुकाइए, हमने कि इसको करवाएंगे। तो इस प्रकार के लोगों को हमने 2170 करोड़ की राशि ब्याज की अंतर की राशि मध्य प्रदेश सरकार मुख्य शिवराज जी ने जमा की। एक बात बहुत चर्चा में है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक है कि नरसिंहपुर से हो सकता है अगर बीजेपी जीती, इस सरकार में आई, तो नरसिंहपुर से सीएम हो सकता है, क्या कोई संभावना है या ऐसा कुछ इंडिकेशन है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी में भूमिकाएं बदलती रहती हैं, भाई साहब 8 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, 2 बार केंद्रीय मंत्री, अगर उनको विधानसभा चुनाव लड़ा तो कुछ सोच समझ के क्या किया पार्टी तय करेगी, भूमिकाएं बनती बिगड़ती रहती हैं और बदलती रहती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि वो मणिपुर के प्रभारी थे, वहाँ एक विधायक नहीं था, उनके वहाँ के प्रभारी रहते, वहाँ की 2 बार सरकार बनी। पश्चिम बंगाल गए थे, वहाँ उनको 48 में से विधानसभाओं से लगभग 28 विधानसभा जीते थे। तो मैं जो मानता हूँ उनका काम करने का जो तरीका है, वो लंबे समय से उन्हें राजनीति में पूर्वोत्तर का जो काम काज है वही माना जा रहा है कि वही रिपोर्ट कार्ड है, और यही वजह है कि बड़े कैनवस में देखा जा रहा है इस बार कि नरसिंहपुर से जो आने वाले अगर विधायक हैं और सरकार अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो एक बड़ा चेहरा, कुछ संभावनाएँ दिख रही हैं। मैं तो मानता हूँ वो अभी उनके पास जल जीवन मिशन है, स्वच्छता की भी वो जैसे शौचालय बनने हैं, हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, 70% घरों में पहुंच गया, वो काम भी लगातार कर, फूड प्रोसेसिंग विभाग उनके पास है, तो जो भी काम उनको मिलता है वो बड़ी शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वो पूरे लोकसभा क्षेत्र, उनका लोकसभा क्षेत्र में जीतने के बाद सारे कुछ सांसद हर गाँव तक गया होगा, उनका नियम है कि अगर चुनाव जीतने के बाद हर गाँव तक, हर बूथ तक वो जाते हैं, लोगों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। वो बात उन्होंने अभी भी कही कि हम जाएंगे रहेंगे, और जैसे मैं हर सप्ताह गुरुवार के दिन नरसिंहपुर में जन सुनवाई करता हूँ, तो रहेंगे, वो भी करेंगे। यहाँ करेली में हम बुधवार को करते थे, हमारे बेटे शांत होने के बाद उसमें कम नहीं कर पाए 5-6 महीने, फिर बाद में हमने चालू की थी, बस वो ही गैप मान के चलो ये 5-6 महीने हमने नहीं किए, बाकी मैं हर सप्ताह और हफ्ता तक हर दिन बैठता हूँ, अगर हम गुरुवार को फिक्स है तो वो हमारी जन सुनवाई या जन दर्शन जो कहें, पर इसके बीच हम बड़े कस्बा बरमान में भी करते हैं, हम सिंहपुर में भी करते हैं, हमाम गांव में भी करते हैं, केतपानी में भी करते हैं, बाजार के दिन लोगों को मिलना जुलना कि वो परेशान ना होना। यहाँ से जीतने के बाद भोपाल की कुछ रणनीति है भोपाल में बैठने की, क्योंकि जो इशारे हैं तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आप भले कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ भूमिका तैयार हो रही है? अरे भाजपा में कोई भूमिका नहीं है, वो तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व भूमिका बनाता है, वो कार्यकर्ता है, नेता कुछ नहीं करता। ये भूमिकाएँ बनाना बिगाड़ना कांग्रेस में है, उसमें कपड़ा फाड़ देंगे, पटक देंगे, उठा देंगे, हरा देंगे, जिता देंगे, भाजपा में ये सब नहीं होता। भाजपा में तो हमारे पास भाजपा में मनाने के लिए, समझाने के लिए, सब बताने के लिए हमारे पास टीम है, उसमें कमलनाथ जी कह रहे उनका कपड़ा फाड़ो, दिग्विजय सिंह के बोला ना दिग्विजय सिंह कपड़ा फाड़ दो, तो ये काम हमारे यहाँ नहीं होता, सलाह नहीं देते हमारे यहाँ, ये होता है। तो ये थे जालम सिंह, हालांकि चर्चा तो बहुत है नरसिंहपुर को लेकर के, लेकिन फिलहाल अभी कुछ खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ रणनीति और आशा लंबी है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।